उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर चमत्कार देखने को मिला। यूं तो संध्या आरती में सैकड़ों की संख्या में पक्षी पहुंचते हैं, लेकिन पहली बार एक कबूतर बा महाकाल के जलाधारी तक पहुंचा और बा महाकाल के दर्शन किए। इस घटना को देखकर मंदिर में श्रद्धालु और पंडित पुजारी सहित अन्य कर्मचारी आश्चर्यचकित रह गए। विश्व प्रसिद्ध बा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, लेकिन बा महाकाल से अटूट प्रेम रखने वाले सैकड़ों की संख्या में पक्षी शाम को होने वाली संध्या आरती में शामिल होते हैं। प्रतिदिन शाम होते ही कबूतर, तोते, कौवा, चिड़िया बा महाकाल के शिखर की परिक्रमा करते हैं और संध्या आरती में शामिल होते हैं। अल सुबह होते ही सभी पक्षी फिर से आकाश में उड़ जाते हैं। मंदिर के पंडित पुजारी, श्रद्धालु और कर्मचारी उस समय आश्चर्यचकित हो गए जब शाम को होने वाली संध्या आरती में एक कबूतर बा महाकाल के गर्भगृह में बाबा की जलाधारी पर बैठकर दर्शन करते दिखाई दिया, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कबूतर गर्भगृह के शिवलिंग के पास बनी जलाधारी पर बैठकर मां महाकाल के दर्शन कर रहा है। महाकाल के पुजारी ने बताया कि शाम होते ही सैकड़ों की संख्या में पक्षी शिखर की परिक्रमा करते हैं, लेकिन पहली बार देखा है कि कोई पक्षी मां महाकाल के गर्भगृह में दर्शन करने पहुंचा हो। सभी जीवों के जीव है, सभी प्राणियों के प्राणी है। यहाँ भगवान महाकाल के अंदर जो है जब संध्या आरती होती है और सुबह जब प्रातःकाल की भस्म आरती होती है तो यहाँ पर मनुष्य, ऋषिगण, देवतागण किसी न किसी रूप के अंदर भगवान महाकाल की स्तुति करने आते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जब आरती का समय होता है तब महाकाल मंदिर का जो शिखर है उस शिखर के ऊपर असंख्य पक्षी कई सालों से भगवान महाकाल की शिखर की परिक्रमा करके स्तुति करते हैं। इसी प्रकार जो कल भगवान महाकाल के मंदिर के अंदर एक जो है पक्षी जो है कबूतर भगवान के शरण में आए, वो भी किसी न किसी रूप में ऋषि मुनि या गंधर्व या कोई देवता होंगे जो भगवान के इस रूप के अंदर दर्शन करने आए हैं।